नाउंस इन द सेंटेंसेस। ये दोनों एक्सरसाइज को आप सभी पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आपको पीडीएफ में इसका सलूशन भी दिया जाएगा। और बेटा किसी भी एक्सरसाइज को सही तरीके से समझने का सबसे अच्छी बात ये है कि पहले आप एक्सरसाइज को अच्छे से पहले आप चैप्टर को अच्छे से समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश कीजिए। और जब आपको आंसर के पीडीएफ दिए जाते हैं तो आप एक बार उस आंसर के पीडीएफ से अपने आंसर को मैच करके देखिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल ये में था कि मैंगो इज अ काउंटेबल नाउन, ट्रू या फॉल्स? हम सभी जानते हैं कि हम मैंगो को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैंगो काउंटेबल नाउन होगा। इसी तरह से सेकंड क्या है, बुक इज अ काउंटेबल नाउन, ट्रू या फॉल्स? हम सभी जानते हैं बुक को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये ट्रू होगा। इसी तरह से आप पूरे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज ए में खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और बी में देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है माई मदर गिव मी चीज टू ईट एवरी डे। अब इसमें कहा गया है कि जो काउंटेबल नाउन है उसे आप अंडरलाइन कीजिए और सर्कल कीजिए अनकाउंटेबल नाउन को। तो हम सभी जानते हैं चीज क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी चीज पर आप सर्कल करेंगे। और मदर, हम सभी अपनी मदर्स को कह सकते हैं, हमारी एक ही मदर होती है, तो मदर क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, उसके नीचे आप सभी अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से